नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल में। आज चलिए हम संडे को फ्री टाइम में अपना गार्डन विजिट करते हैं। तो अभी हमारे गार्डन में सभी फ्लावरिंग प्लांट, हार्डिया, सीजनल सभी फूल ब्लूम पे हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए सभी देसी या हाइब्रिड हो सभी ना फूल ब्लूमते हैं। इसका भी बहुत खूबसूरत लगता है, ये कलर का है मिनीचर वाला हाइब्रिड। ये अभी अगस्त में फ्लावरिंग प्लांट को पूरा फुल सनलाइट में रखने से भी ना बहुत फ्लावरिंग करता है, और बारिश भी हो रही है तो बहुत ही फ्लावरिंग हो रहा है। देखिए काक प्लांट में ना, ये देसी का भले ही हाइट रहता है और बहुत ही फ्लावरिंग करता है। इसमें कलियाँ भी आई है, ये मिनीचर वेराइटी का है। इधर सब अडेनियम प्लांट है। इधर से फिर हम ना ये देसी, इसमें भी छोटा सा पट है और ना बहुत ही फ्लावरिंग करता है। देखिए इसमें 3-6 फ्लावरिंग हुआ है। अरे वाला में भी ना 4-6 फ्लावरिंग हुआ है। इसमें ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। अब ये फ्री में कटिंग से लगाए थे ना, और फ्री में और अपना हाथ से कटिंग से लगाए हुआ ना, तो बहुत ही आनंद लगता है कुछ भी फ्लावरिंग का। ये देख अभी ये हिबिस्कस हाइब्रिड वेराइटी का भी ऑरेंज कलर का ना, ये कलियाँ दो आ गई है, बहुत ही कलियाँ हैं, कल खिलने वाले हैं ये। इधर से ऐसे है। फिर अलमंडा में भी ना, इधर रेनी सीजन का बहुत ही अभी ये सब येलो पत्ती हो गई थी, तो इसमें भी फ्लू ब्लूम पे है, फूल ब्लूम पे है। ये हम थोड़ा ये झाड़ी नुमा होता है तो ये बड़ा पॉट में लगाए हैं, जितना बड़ा में, और इसको ऊपर तरफ ना बांध दिए हैं सपोर्ट। नीचे में झाड़ी करके ना आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहता। इधर ये अपराजिता भी ना, ये देखिए बहुत इसमें फ्लावरिंग होता रहता है। दो कलर का है, वाइट और ये ब्लू कलर का। इधर भी सपोर्ट दे दिए हैं दीवार के सहारे। इधर हमारा स्पाइडर प्लांट है, ये सेडी प्लेस है, तो इसमें ना ये देखिए टर्टल हाटवा, ये क्या नाम है, ये वैंडरिंग व्यू। ये देखिए इसमें भी ना ये मनी प्लांट भी छोटा सा पट में, सेडी प्लेस है तो ना बहुत ही बड़ा बड़ा प्लांट होते ना खूबसूरत लग रहा है। इधर भी कोलियस, और हमारा तो अभी ना ये देखिए ये बालसम का ना सभी कलर का है। इतना सारा प्लांट लगा है इस बार ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा गार्डन का। ये गुलाब जैसे बड़ा बड़ा साइज का, ये देखिए इसका साइज भी ना ये बहुत ही, थोड़ा सा पत्ती में ना हो जा रहता है। ये जितना भी टोलो ना फ्लावरिंग होता रहता है, एक दो महीना ना इसका बहुत ही फ्लावरिंग होएगा। देखिए ये कितना ना एकदम गुच्छों में, कम से कम है ना ये जितना बड़ा पार्ट दोगे उतना हाइट में इसको पिंचिंग कस बस करते रहना पड़ता है। ये कई कलर में आता है, एक बार सीड से हमारे पास है तो ना हम कलेक्ट करके रख लेते हैं। ये पिंक कलर का भी ना बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए इधर से ये देना, ये भी है चंपा, नाग चंपा। और ये देखिए आज ना ये एकदम रेड कलर का ना मेरून अब ब्लूमिंग पे है, आज थोड़ा सा ये देना फुल ब्लूमिंग पे है, एक बार खिल चुका है। ये भी हम पिछले साल कटिंग से लगाए थे जून में, तो एक साल के बाद ना एक बार और फ्लावरिंग कर चुका है। और छोटे से जगह में ना भी आप अपना गार्डन लगा के अपना ना शौक को पूरा कर सकते हैं। देखिए ये ना 10-12 इंच के पॉट में लगा है, इसमें भी फ्लावरिंग होता है। आप भी कटिंग से ला के ना अपना ग्राउंड में जगह नहीं है तो टेरेस में गार्डनिंग करके लगा सकते हैं। पूरा बालसम ही बालसम है हमारे गार्डन में। इधर से सब ना वो है, देखिए ये ना वो मेरून कलर का है, एक रेड कलर का है, भी ना बड़ा सा टैंक में लगा है, तो इसमें भी ना ये देख पिंचिंग करते करते महीना में एक बार ना जरूर हम फर्टिलाइजर करते हैं, उसको शेयर कर चुके हैं हमारे। और इधर भी अभी ना ये मास रोज परजुला का में अभी ब्लूमिंग पे है, डरमेंसी में नहीं गया है, एक दो महीना तक रहेगा फ्लावरिंग। ये देसी वेराइटी का गेंदा है, भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये घूमते ना इधर, ये कसमस में भी ना ये देखिए कितना फ्लावरिंग हो रहा है देसी में, थोड़ा बारिश के पानी में ब्लैक हो जाता है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे पास ना ये
कटिंग वाला गेंदा खिला, इसको कई सारा कटिंग करके ना हम बना लेंगे प्लान। इधर कनेर एक वाइट कलर का, एक कनेर वाला है इस लाइन में, एक जोरा है पिंक कलर का ना, ये चाइना वेराइटी का भी है, ब्लूमिंग हुआ है। रेड कलर का थोड़ा सा ना येलो पत्ती हो गया इसमें, तो इसको ना हम ये प्रूनिंग करना था, रूट प्रूनिंग, वो नहीं कर पाए अभी, उसमें करेंगे ठंड में। इधर बालसम का है सभी कलर का, ये रेड कलर का, पिंक कलर का, ये वाइट कलर का, और एक ये वाइट कलर का, इधर मेरून कलर का है। इसमें भी हाइब्रिड, इसमें ना सॉरी ये देसी हिबिस्कस में ना भी बहुत ही फ्लावरिंग हो रहा है। इधर कनेर इस लाइन से, तो आज संडे को ना सब फ्री रहते हैं, तो चलिए हमारा गार्डन एंजॉय कर लेते हैं। गार्डनर को तो ना अलग अलग गार्डन अच्छा लगता है, हमारा छोटा सा है लेकिन ना बहुत इनको फर्टिलाइज करते हैं महीना में। अभी तो बारिश हो रही तो नहीं करेंगे, अभी हमारे 10 तारीख को टाइमिंग है, महीना में एक बार करते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम हफ्ता हफ्ता में करते रहते हैं, होम मेड जो है इधर से बनती का है। अभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इधर से ना, ये मेरे ख्याल से इधर वो कटिंग्स लगाए हुआ ये मेरी गोल्ड में कलिया आ गई है। इधर से ऐसे है, बताइए फ्रेंड्स कैसे लगा हमारा गार्डन। इसका भी ना पिंक कलर का ये कितना खूबसूरत, एकदम रोज़ जैसे बड़ा बड़ा साइज का खिलता है। सभी में है, सभी डबल डबल पार्ट में लगाए हैं। आप भी ना कहीं से कलेक्ट करके हमारे आस पास रहते तो हम आपको ना सीड या प्लांट दे देते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।